फॉर फर्टिलिटी या फॉर कंसेप्शन जो है कि फीमेल जो है उसका सबसे बड़ा रोल रहता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका बहुत बड़ा रोल है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अपॉन द फीमेल्स। तो आई थिंक ऋतु, क्षेत्र, अम्बुबीज, इन चार में से जो है क्षेत्र, जो गर्भाशय है, क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक चार जो पिलर है कंसेप्शन के, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है वो क्षेत्र। क्षेत्र का भी एक पार्ट है गर्भाशय, और उस गर्भाशय का एक पोर्शन है सर्विक्स, यानी गर्भाशय मुख, जिसको हम बोलते हैं अपनी आयुर्वेदिक भाषा में गर्भाशय मुख। और उस गर्भाशय मुख या गर्भाशय ग्रीवा जो बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ डेवलप हुआ है या कुछ चेंज हुआ है, वो सर्वाइकल इरोजन है। यानी कि जो एक एनाटॉमिकली हम अगर देखते हैं तो क्या ये है और हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं उसमें लेना मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज सर्वाइकल इरोजन मीन, क्या है और उसको जानना क्यों जरूरी है, और कॉमन सिम्टम्स जिनको हो जाता है वो क्या सिम्टम्स हमें बताते हैं, और उसको, इन सिम्टम्स को सर्वाइकल इरोजन से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो हम इसमें यूज करते हैं, ट्रीटमेंट जो देते हैं पेशेंट को, चाहे सिंगल ड्रग है या फॉर्मुलेशंस हैं या थेरापीज हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हैं, एंड देन वी विल हैव शॉर्ट 5 to 10 मिनट्स डिस्कशन, अगर डॉक्टर मयूरी अलाउ करती हैं तो। मतलब ये मेरा अपना प्लान है कि दिस शुड बी दी कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा सर्विक्स के बारे में मैं बताऊंगी कि सर्विक्स, जैसे मैंने बताया कि ये क्षेत्र जो है उसका एक पार्ट है, यानी कि हम अगर लेते हैं कि कोई घर है उसका डोर रहता है, उस डोर से आपको पता चलता है कि हाँ ये डोर बड़े सुंदर है, अच्छा है तो अंदर घर भी अच्छा होगा, राइट? तो लाइक दैट ये सर्विक्स जो है, सर्वाइकल केनाल जो है, दैट इज द एंट्री पोर्शन ऑफ द यूट्रस, जो क्षेत्र का एंट्री पार्ट है, वहां एक केनाल है। अब एक केनाल है, एक रास्ता है, वहां क्या होता है, समथिंग इज एंटरिंग एंड कुछ वहां से बाहर आता है, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आपने अभी लॉकडाउन में भी देखा होगा, जैसे मैंने इसमें एक पिक्चर लिया है कि एक बैरिकेड है, दिस इट इज अ बैरिकेड, कि वहां कुछ एंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो देखना या वो उसको करना काम जो है, दैट इज ऑफ सर्वाइकल केनाल। और उस सर्वाइकल केनाल का एंट्री पॉइंट है जो हमें बाहर से दिखता है, दैट इज एक्सटर्नल ऑस, गर्भाशय ग्रीवा जो है, केनाल जो है उसका मुख, जो हम बाहर से देख सकते हैं, और अंदर की तरफ रहता है, दैट इज इंटरनल ऑस, अंदर की तरफ मुख है, बाहर की तरफ मुख है, और उसके बीच में केनाल है। तो एक्सटर्नल ऑस के ऊपर जो हो रहा है चेंज, जो हो रहा है, दैट इज सर्वाइकल इरोजन। अब क्या सच में इरोजन है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये इरोजन होना या इरोड होना, इरोड होना यानी कि वहां से कुछ निकल रहा है ऐसा नहीं होता है, बट कुछ चेंज हो रहा है, मेटापलास्टिक चेंजेस हो रहे हैं वहां पर, जो हिस्टोपैथोलॉजिकली अगर हम देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ दी सर्वाइकल केनाल या इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस हम देखते हैं, तो अंदर की तरफ का पोर्शन है दैट इज एंडो सर्विक्स, एंड बाहर का जो है दैट इज एक्टो सर्विक्स। और उस सर्विक्स के ऊपर, जैसे ये बताया गया है कि एक फेंसिंग है, एक घर के बाहर फेंसिंग होती है, लाइक दैट ये जो कैनाल है वहां पर एक फेंसिंग हुई है, एक सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स जो है उनकी फेंसिंग हो रखी है, और यही सेल्स कभी बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं, कभी अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अंदर की तरफ जो जाते हैं, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख पाते हैं, जो कैनाल के अंदर गया है या इंटरनल ऑस की तरफ गया है, वी कैन नॉट सी, बट जो बाहर की तरफ आ रहा है वो वी कैन सी, वहां एक चेंज हुआ है। मतलब ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, कुछ सेल्स कभी अंदर जा रहे हैं, कुछ कभी बाहर आ रहे हैं। तो अंदर वाले सेल्स जो हैं, दोज आर
कॉलमनर एपिथेलियम, इस प्रकार से कॉलम्स बने रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। और जो वेजाइनल पोर्शन है उसमें रहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इस प्रकार का शेप उनका अलग रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो कभी ये सेल्स इनकी जगह लेते हैं, कभी ये वाले उनकी जगह ले रहे हैं। तो एक कॉलमनर एपिथेलियम जो है थोड़ा सा सॉफ्ट जो है उनका टेंडेंसी रहती है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अपने नोज को अगर आप टच करेंगे और लिप्स को टच करेंगे तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी डिफरेंट है। दोनों सॉफ्ट है, लिप्स आर सॉफ्ट, नोज इज सॉफ्ट, बट कंसिस्टेंसी इज समवॉट डिफरेंट। तो जो अंदर का पोर्शन जो है कॉलमनर एपिथेलियम से बना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, और बाहर का जो पोर्शन है जो विजाइनल एरिया में है, सर्विक्स का पोर्शन, दैट इज थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड रहती है। अब क्या होता है कि ये अंदर वाला पोर्शन जब बाहर ट्रांसफॉर्म हुआ है, कॉलमनर एपिथेलियम ने स्क्वैमस एपिथेलियम की जगह ले ली है, तो वो सॉफ्टन हो गया, वो एरिया सॉफ्टनेस आ गई है। ठीक है, सॉफ्टनेस आने से उसका अपीयरेंस भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, एंड दीज कॉलमनर एपिथेलियम जो उसकी जगह ली है उनकी एक बाउंड्री रहती है, विद बाउंड्री दे शिफ्ट्स, जैसे कि फेंस ये है, लाइक दैट दे आर हैविंग बाउंड्रीज, एंड विद दैट बाउंड्री दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द आउटर पोर्शन ऑफ द सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स लाइक, राइट। तो जी कॉलमनर एपिथेलियम एक्टो सर्विक्स में जब आ जाते हैं तो शाइन कर रहे हैं, कलर उनका रेडिश है, और थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है, एंड दैट इज नोन एज सर्वाइकल इरोजन। इरोजन इसलिए बोलते हैं कि वहां पर कुछ अनवांटेड चीज आई है, जो कि जैसे कि आपका स्थान नहीं, वहां आप चले गए, लाइक दैट कॉलमनर एपिथेलियम इज एनक्रोचिंग द साइट ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स। अगर वो अंदर है कैनाल की तरफ है, वहां भी थोड़ी सी ऊजिंग रहती है, सर्वाइकल कैनाल जो है दैट इज नॉट अ ड्राई एरिया, वहां थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, नॉर्मल हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्टिव डिस्चार्ज हो सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, म्यूकॉइड हो सकता है, कर्ल लाइक हो सकता है, एंड दैट एरिया इज शिफ्टिंग टूवर्ड द वजाइना, तो एंड ड्यू टू दैट इन दैट एरिया उसमें कुछ सिम्टम्स जो है वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट ब्यूटी इज दैट, या थोड़ा सा हम देखते कि यूनिकनेस इज दैट, कि आजकल क्या पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कॉमनली, कैसे बताते हैं कंप्लेन, पहले के जमाने में या कुछ साल पहले अगर हमारे पास हम देखते हैं कि थोड़ा सा बैक जाएं, तो पेशेंट्स आते थे क्या बोल के कि मुझे बैक एक हो रहा है, मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक दैट। बट आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, बोलते हैं डायरेक्टली मुझे रसोली है, मुझे सिस्ट है, मुझे पीसीओडी है, मुझे गांठ है, लाइक दैट। सबको आप सोचेंगे कि हाँ ऐसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं बोलकर विद डायग्नोसिस। बट सर्वाइकल इरोजन की ब्यूटी, या यू कैन से कि थोड़ा सा चेंज ये है कि पेशेंट नेवर नो कि उसको इरोजन है, कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्सटर्नल नहीं है कि वो वहां से डायग्नोसिस करा के आई है और आपको बता रही है। इन दिस केस पेशेंट ऑलवेज गिव यू द सिम्टम्स, पेशेंट आपको कंप्लेन बताएगी, और विद दैट कंप्लेन हमें सोचना है कि व्हाट आई हैव टू डू। एंड सो मेनी टाइम्स पेशेंट को कंप्लेन नहीं होती है, किसी और चीज के लिए आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो रूटीन एग्जामिनेशन अगर आप पीएस एग्जामिनेशन करा, आपने पर्स्पेक्युलमिक एग्जामिनेशन किया, तो सर्विक्स पे इस प्रकार से आपको अपीयरेंस दिखती है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सर्वाइकल, नॉर्मल सर्वाइकल एरिया है, कलर उसका बिल्कुल पिंकिश है, ठीक। एंड यहां कॉलमनर एपिथेलियम ने उसकी जगह ले ली है, एंड दैट इज गिविंग अपीयरेंस लाइक इरोजन, जैसे कि मुंह में अगर किसी को हो जाता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है, या जो बोलते हैं कि अल्सर हो जाता है, तो उसका ऐसा अपीयरेंस रहता है, लाइक दैट अपीयरेंस इज चेंज्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं इरोजन। एक्चुअल में इट इज नॉट इरोजन, बट अपीयरेंस ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ दैट एरिया इट इज नोन एज
इरोजन। मेडिकल टर्म इज सर्वाइकल एक्टोपी। एक्टोपी यानी कि बाहर आ जाना, जो कि नॉर्मल एपिथेलियम शुड बी इनसाइड, दैट इज आउटसाइड, दैट इज सर्वाइकल एक्टोपी। एंड अपीयरेंस इज लाइक इरोजन, सो वी आर टेलिंग इट अ इरोजन, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रांजिशनल जोन है, वहां से आ गए हैं, चेंज हुआ है। अब सिम्टम्स क्या बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया कि रेड रेडिश पैच है, देर विल बी रेडिश पैच एट द नेक ऑफ द सर्विक्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, वहां आपको दिख रहा है कि रेड पैच है, एकदम इन्फ्लेम्ड लगेगा, रेड कलर लगेगा। बट स्पेसिफिकेशन हमें डिफ्रेंशिएट करना है सर्विसाइटिस से इरोजन से, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि अब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करो कि इरोजन है कि सर्विसाइटिस है। तो सर्विसाइटिस में होल ऑफ द सर्विक्स विल बी लुकिंग लाइक रेड इन्फ्लेम्ड, बट इरोजन में देर विल बी बाउंड्री, वहां एक बाउंड्री है, एंड विद दैट बाउंड्री सेल्स आर देयर, टच करते ही कई बार उसमें से ऊजिंग भी हो सकती है, समटाइम्स उसमें से ब्लीड भी कर सकता है, ठीक है। पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेंट लेकर आएगी, पेशेंट विल टेल कि आई एम हैविंग पेन ड्यूरिंग सेक्स, यानी डिस्पिरुनिया कॉमन कंप्लेंट जो है इरोजन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो बताते हैं। समटाइम्स दे टेल कि आफ्टर कॉइटस शी इज हैविंग स्पॉटिंग या ब्लड मिक्स्ड डिस्चार्ज। समटाइम्स पेशेंट विल टेल अस कि उसको डिस्चार्ज होता रहता है, या इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, नॉट ब्लीडिंग, समटाइम्स स्पॉटिंग, समटाइम्स ब्लड मिक्स डिस्चार्ज, कभी कुछ नहीं रहता है, स्पॉटिंग भी नहीं है, पेशेंट को ब्लीडिंग भी नहीं है, डिस्पेरुनिया नहीं है, बट पेशेंट बोलते सीवियर बैक एक एंड डिस्चार्ज हो रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू कंसीव और उसको बैक पेन हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, उनमें हम जब एग्जामिनेशन करते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग का सिम्टम नहीं है, बट इवन देन दे आर हैविंग इरोजन, बट एसोसिएटेड प्रॉब्लम इज बैक पेन, पेशेंट को बैक पेन हो सकता है। समटाइम्स इरोजन के साथ भी सर्विसाइटिस हो सकता है, पहले इन्फ्लामेशन हुआ है और साथ में वहां पर इरोजन भी हुआ है। तो इस प्रकार से वेरिएबल सिम्टम्स जो है पेशेंट आपको बताते हैं, बट डायग्नोसिस इज ओनली क्लिनिकल। कोई आपके पास ऐसा अल्ट्रासोनोग्राफी या टीवीएस या एमआरआई कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इरोजन है। इरोजन आपको खुद देखना है, खुद पहचानना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, जो रूटीन एग्जामिनेशन जब हम पेशेंट्स की करते हैं। गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स आपके पास आएंगे, यू विल डू पीवी एंड पीएस एग्जामिनेशन, एंड दैट इन दैट पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप पेशेंट्स की करेंगे, तो उसमें आपको इस प्रकार का इरोजन जो है पेशेंट में दिखेगा, ठीक है। सिम्टम्स हो सकते हैं डिस्चार्ज, पेन, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, बैक पेन, और इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हम इसलिए करते हैं फॉर एक्सक्लूजन, कि ये सिर्फ इरोजन है, इरोजन से अलावा कुछ नहीं है, उसको देखने के लिए हम लोग वहां से स्वैब टेस्ट लेते हैं, वहां से डिस्चार्ज है उसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ट्रिपल स्वैब लेंगे, एंड एक्टो से लेंगे, सर्वाइकल एरिया से लेंगे, एंडो से लेंगे, तीनों एरिया से, हाई विजाइनल स्वैब लेके, लोअर एरिया से स्वैब लेंगे या सर्वाइकल से, तो तीनों जगह से स्वैब लेके चेक किया जाता है कि जो चेंज हो रहा है नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है यहां या कोई और एबनॉर्मल सेल्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि रिपीटेडली चेंजिंग सेल्स जो है वो समटाइम्स मेलिग्नेंसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू सी कि नॉर्मल सेल्स आर देयर और सम एनी एबनॉर्मल चेंजेस देयर, उसको एक्सक्लूड करने के लिए वहां से हम स्वैब लेकर टेस्ट करते हैं, स्मियर लेके, कभी कभी बायोप्सी भी ले जाती है। अगर आपको डाउट है कि आपने पीवी एग्जामिनेशन किया, पीवी करते ही पेशेंट ने ब्लीड किया, हो सकता है इरोजन के पेशेंट्स में भी ब्लीड हो, बट ब्लीड ऑन टच सिम्टम इज ऑफ कार्सिनोमा, तो टू एक्सक्लूड कार्सिनोमा इरोजन वी आर डूइंग
स्मीयर टेस्ट और स्वैब टेस्ट। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएशन, तीन टाइप्स के इरोजन हमें मिलते हैं, सिंपल इरोजन भी होते हैं, फॉलिकुलर भी मिलते हैं, पैपिलरी भी मिलते हैं। सिंपल क्या है इरोजन एंड फॉलिकुलर क्या है एंड पैपिलरी क्या है। ठीक है, सिंपल यानी कि जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार से इसमें जस्ट कोलमनर एपिथेलियम अभी आया ही है, क्योंकि इरोजन इज नॉट एन एक्यूट कंडीशन। एक्यूट कंडीशन नहीं है कि आज हुआ एकदम से पेशेंट आपके पास आएगी, इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। रिपीटेडली वहां पर सेल्स की चेंजिंग हो रही है और पेशेंट आपके पास आती है, तब इरोजन डेवलप होता है। ठीक है, तो सिंपल यानी कि जस्ट कलमनर एपिथेलियम ने स्क्वेमस एपिथेलियम की जगह ले ली है। फॉलिकुलर यानी कि वहां पर थोड़े से फॉलिकल डेवलप होते हैं, वैसा वहां का लुक रहता है, लाइक दिस फॉलिकुलर। ठीक है, पैपिलरी में क्या रहता है कि एक फोल्ड एक बार आ गया है कलमनर, फिर उसके ऊपर स्क्वेमस एपिथेलियम फिर से बन गया, अगेन सेकेंड टाइम अगेन कॉलमनर इज शिफ्टिंग, उसके ऊपर फिर विजाइनल सेल्स का स्क्वेमस एपिथेलियम के लेयर आ गई, फिर से कलमनर आ गया, लाइक रिपीटेड जब लेयरिंग होती है उसको बोलते हैं पैपिलरी सर्वाइकल इरोजन। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट मोडालिटीज, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू ट्रीटमेंट की हम मैनेज कैसे करेंगे एंड व्हाई वी हैव टू मैनेज दिस थिंग, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पेशेंट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट समटाइम्स आप देखते हैं कि हाँ इसको एग्जामिन किया है और हमने इरोजन देखा है, तो वी हैव टू ट्रीट। मॉडर्न थेरापीज जो रहती हैं उसमें जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो गई है दे शुड बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स आ गए हैं उसको डिस्ट्रॉय करना है, इनको हटा देना है, जिसे नीचे से फिर से नॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट होती है। उसके लिए केमिकल कॉटरी, इलेक्ट्रिकल कॉटरी, डायथर्मी, ये सारी प्रोसीजर्स जो आजकल ट्रेंड है वो किए जाते हैं, बट अदर देन दैट हम क्या कर सकते हैं एंड वॉट वी कैन डू। पेशेंट इज नॉट रेडी फॉर कॉटराइजेशन, बोलती नहीं मुझे डर लगता है, पेशेंट नहीं कराते हैं आपसे, कॉटराइजेशन नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रिकल डायथर्मी कुछ भी नहीं कराते, सर्जरी नहीं कराते आजकल, वो डरते हैं। देन वी हैव टू गिव द आंसर, लेकिन वी आर हैविंग मैनेजमेंट और आंसर एट टू लेवल, प्रिवेंटिव आस्पेक्ट एज वेल एज क्यूरेटिव आस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव आस्पेक्ट इज मस्ट, एक बार पेशेंट को इरोजन हुआ है फिर से हो सकता है, पहले उसको ट्रीट करना है, पेशेंट को फिर से ना हो इसके लिए वी हैव टू एक्सप्लेन हर। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक दो स्टूडेंट्स भी हो सकता है जुड़े हुए हों, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं इरोजन को इन द टर्म्स ऑफ आयुर्वेद। कुछ लोग इसको कर्णिनी योनिव्यापद से को रिलेट करते हैं कि कर्णिनी योनिव्यापद हो सकता है, लेकिन कर्णिनी योनिव्यापद की जहां संप्राप्ति बताई है वहां बताया है कि अगर प्रवाहन उसने समय रहते या उसको पेन्स नहीं है और प्रवाहन किया है, उस स्त्री को सर्वाइकल कर्णिनी योनिव्यापद हो सकता है। बट प्रैक्टिस में हम क्या देखते हैं कि जिनके डिलीवरी नहीं भी हुई है उनको भी हो रहा है, तो इट इज नॉट ओनली कर्णिनी योनिव्यापद। तो गर्भाशय ग्रीवागत व्रण के रिलेटेड रेफरेंसेस हमें शास्त्रों में मिलते हैं, जैसे कि अष्टांग संग्रह में यंत्र की बात कही है, वहां डिस्क्राइब किया योनि व्रणेक्षण यंत्र, यानी योनि व्रण को देखने के लिए यूज होने वाला यंत्र, दैट इज स्पेकुलम जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस इट इज गर्भाशय ग्रीवागत व्रण। दूसरा प्रजनन व्रण का रेफरेंस भी हमें शास्त्र में मिलता है, और व्रण के जो प्रकार है निज आगंतुज दोनों टाइप्स के हो सकते हैं ये गर्भाशय ग्रीवागत व्रण। दोष इसमें कफ पित्त डोमिनेंस रहता है, बट वात दोष भी वहां पर रहता है, क्योंकि मूवमेंट है, सेल्स आर मूविंग, मूवमेंट कभी भी वायु के बिना नहीं होती, राइट। सेल्स इनसाइड द केनाल आर मूविंग आउटसाइड, तो वात दोष भी वहां पर इन्वॉल्व है, तो वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट ऑफ त्रिदोषज। आइडेंटिफाई आगे मैं बताती हूं
कि इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको ग्रीवागत व्रण यानी त्वक मांसज धातु दुष्टि और त्रिदोषज चिकित्सा, इस प्रकार की चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी। तो जो हम ड्रग सिलेक्ट करेंगे या थेरापी सिलेक्ट करेंगे वो कैसी सिलेक्ट करेंगे? कफ पित्त शामक, कफ दोष को कम करना है, पित्त को कम करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है हमें कि पेशेंट में कौन सा है, या रक्त पित्त शामक, दाह शामक, पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है तो स्तंभन दुष्टि, वहां पर लग रहा है कि आप अनहाइजीनिक कंडीशन पेशेंट की है और सर्विक्स इज नॉट वेरी मच हेल्दी, तो वहां पर योनि दोष हर जो ड्रग्स हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। शोधन और इन्फ्लामेशन है तो शोथर एंड व्रणरोपण। तो ये क्वालिटीज जिन मेडिसिनल प्लांट्स में होगी वो मेडिसिनल प्लांट्स हम जनरली सिलेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो है वो हम यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर मयूरी ने पहले आपको बताया कि मेरा एक यहाँ पर लेक्चर हुआ था लोकल थेरापीज इन गायनेकोलॉजी, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैं बहुत डिटेल में हर एक थेरापी को एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम ये थेरापीज करते हैं या कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं चाहूंगी, यू सी दैट वीडियो ऑल्सो। तो पीचू थेरापी जो सबसे पहला इसमें यूजफुल थेरापी जो है इरोजन में वो हम करते हैं। क्यों पीचू करते हैं, व्हाट इज द पर्पस? पीचू का पर्पस ये है कि आपने वहां पर मेडिसिन लगानी है टाइट, एंड दैट सर्विक्स एक फिक्स्ड एरिया नहीं है, इट इज नॉट ए फिक्स्ड पोर्शन कि आपने वहां कोई चीज रख दी तो वैसे ही रहेगी। यू हैव टू अप्लाई द मेडिकेशंस, दवाई हमने लगानी है, एंड वो दवाई वहां पर काफी देर तक रहे, उसका इफेक्ट आए, उसके लिए वी सिलेक्ट दी पिचू विजाइनल टैम्पून। किसी मेडिकेशंस में डिप करके हम वहां रख देते हैं फॉर 2 आवर्स, या तो पेशेंट को जब तक यूरिन की अर्ज नहीं होती तब तक आपने लगा दिया, तो इतनी देर में वहां पर मेडिकेशन कॉन्स्टेंटली उस इरोजन पे रहती है, तो आपकी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को बेनिफिट देती है या इफेक्ट आता है। एंड फॉर दैट क्या क्या मेडिकेशन जो है हम लोग यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं पंचवेलकल घृत, कंपिलक अधिघृत, जाति अधिघृत, पलाश अधिघृत एंड मधुव्यष्टि अधिघृत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिसिन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कफ पित्त शामक, व्रण रोपक एंड शोधन एंड रोपण क्वालिटीज, तो इनमें से यू कैन सिलेक्ट कि आपको अपीयरेंस क्या आ रहा है इरोजन का, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट दी ग्रिट कि आपको लगाना है। मधुव्यष्टि ग्रिट नहीं है आपके पास, मधुव्यष्टि तैल है, यू कैन यूज। जात्यादि घृत नहीं है, जात्यादि तैल है, उसमें भी हम डिप करके लगाते हैं, पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। लेकिन पित्त वाले सिम्टम्स है तो घृत यूज करें, कफ वाले सिम्टम्स है तो ऑयल यूज करें। ये थोड़ा सा हमें इसमें से चेंज करना रहता है कि विच मेडिकेशंस आई हैव टू अप्लाई इन दिस इरोजन, राइट। एंड योनि प्रक्षालन, डोशिंग, हो सकता है आप सब लोग अपने प्रैक्टिस में यूज करते हो कि विजाइनल डोशिंग, योनि प्रक्षालन, तो इसमें इरोजन में मैंने देखा है कि इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे मिला है, दैट इज ऑफ पंचवल्कल कषाय। समटाइम्स नहीं है होता है तो हम मधुव्यष्टि कषाय से भी करते हैं कि मधुव्यष्टि कषाय, जैसे कि ओरल उसमें अगर आप देखें म्यूकोजा पे मधुव्यष्टि का बहुत अच्छा रिजल्ट है, वैसे दिस इज ऑल्सो म्यूकोजा, तो इस म्यूकोजा के ऊपर भी मधुव्यष्टि कषाय जो है अगर आप प्रक्षालन करते हैं तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट टू योर पेशेंट्स। और स्पेसिफिक जो ड्रग्स प्रक्षालन के लिए हम यूज करते हैं या शास्त्र में इंडिकेटेड है, उसमें धातकी इज अ वेरी गुड ड्रग, जो इसमें जिस पेशेंट्स में डिस्चार्ज ज्यादा है, पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आई कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है और एग्जामिन किया है आपने, पेशेंट को इरोजन मिला, तो धातकी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। पेशेंट को इचिंग हो रही है, बहुत इचिंग है डिस्चार्ज के साथ, आपने चेक किया इरोजन है, तो एड ऑन करिए धातकी के साथ
नींबू मिला दीजिए, नींबू पत्र ऐड कर दीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट आप उसमें चेंज कर सकते हैं, त्रिफला मिला सकते हैं, पलाश मिला सकते हैं, तुवरक मिला सकते हैं। तो ये सारे ड्रग्स जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम्स या अकॉर्डिंग टू दी फाइंडिंग्स आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया पंचवेलकल कषाय इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट इन द पेशेंट्स ऑफ इरोजन, उसका पंचवेलकल क्लास से प्रक्षालन कीजिए, जाता जी तेल का पिचू रखिए, वेरी सिंपल थेरापी, बट पेशेंट्स आपके फैन हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, जो कि उसको काफी समय से डिस्चार्ज हो रहा था, पेशेंट एंटी फंगल मेडिसिन ले रही थी लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था कि उसको ड्यू टू इरोजन पेशेंट इज हैविंग दिस डिस्चार्ज। तो एग्जामिन द पेशेंट, डू द डायग्नोसिस एंड सिलेक्ट द थेरापी, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थेरापी इज योनिवर्ती, जो कि मार्केट में नहीं मिलती है। यू कैन प्रिपेयर दी वर्ती, मेरे उस लेक्चर में है कि कैसे वर्ती हम बनाते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर योर ओन वर्ती, ठीक है। उसको बनाइए और अप्लाई करिए पेशेंट में। यू कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ती फॉर योर पेशेंट्स, जैसे कि मैंने इन पिक्चर्स में भी लिया है कि मेडिसिन लीजिए, उसको बाइंड करिए, वर्ती बनाइए और अप्लाई करिए। उसमें बहुत सारी वर्तीज आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। उसमें जो शास्त्रोक्त वर्ती है जो यूज में है वो अर्कादि वर्ती, पिपल्यादि वर्ती, निम्बादि वर्ती। पिपल्यादि वर्ती इसलिए कि वो लेखन करती है, वहां जो जैसे कि हम कॉटरी से जो रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट आप पिपल्यादि वर्ती से दे सकते हो आपके पेशेंट्स में, ठीक है। तो यू कैन मेक वर्ती एंड यू कैन अप्लाई इन द पेशेंट्स ऑफ इरोजन। एंड अग्निकर्म, अग्निकर्म के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ती बनाते हैं, उस वर्ती को आप गर्म करके टच करिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड बर्न दोज दी सेल्स, जो सेल्स है उनको आप अपनी मेडिकेशन से बर्न कर दे और उसके बाद उदुम्बर स्नेह का पिचू रख दीजिए, इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। तो इस प्रकार के हम लोग मेडिसिन जो है, आमला की निम्ब, यष्टि मधु करंज हरिद्रा गुगलू, ये शास्त्रोक्त रेफरेंस है, इसकी हम वर्ती बना के तो उसे शलाका से वहां पर दहन करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि मेडिकेटेड कॉटराइजेशन, नॉट विद दी जो कॉटरी रहती है उस टाइप का अग्निकर्म नहीं, लेकिन हम मेडिकेटेड अग्निकर्म जो है पेशेंट में करते हैं। कुछ नहीं आपके पास है तो चंद्रोदय वर्ती जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आंखों में लगाते हैं चंद्रोदय वर्ती, उसको गर्म करके आप पेशेंट के इरोजन पे टच कर दीजिए और फिर उदुम्बर स्नेह का पिचू रख दीजिए, इरोजन पेशेंट का बिल्कुल ठीक हो जाता है एंड पेशेंट विल बी गेटिंग वेरी गुड इफेक्ट, ठीक है। कुछ लोग जो है वो सुवर्ण शलाका बना के उससे भी दहन कर्म करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो कि एक कॉपर की शलाका बनाई, उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड जो है लगा देते हैं, जो है गोल्ड स्मिथ, उससे भी आप शलाका जो है बना सकते हैं और उससे अग्निकर्म करते हैं। दूसरा बताया क्षार कर्म, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर से सुपीरियर जो प्रोसीजर है दैट इज क्षार कर्म। क्षार मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, खुद भी बना सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल रहते हैं। तो क्षार क्या करते हैं, वहां लेखन कर्म करके उन सेल को हटा देंगे, हालांकि वो सौम्य है फिर भी ये काम करते हैं और छोटी जगह में उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो कॉमनली यूज होने वाला क्षार है दैट इज यवक्षार, यवक्षार एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। स्नुही क्षार जो है वो भी बनाकर आप उसको अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद उसको हम लेमन वाटर से वॉश कर देते हैं, जिससे उसका बाद में इफेक्ट या जो हेल्दी सेल्स हैं सर्विक्स के उसके ऊपर वो नुकसान ना करें, ठीक है। या त्रिफला कषाय से भी आप उसको वॉश कर दे करके फिर वहां पर उदुम्बर स्नेह का पिचू जो है पेशेंट में रख दीजिए, तो वहां भी आपके पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है। तो ये क्षार कर्मा का प्रोसीजर है, इसको भी आप उसमें स्लाइड में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पिक्चर भी लिया है कि पेशेंट में इरोजन था, क्षार कर्मा अप्लाई किया एंड यू कैन सी दिस मच हेल्दी सर्विक्स, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद तुरंत आपके पेशेंट में ये जो है वो
हेल्दी सर्विस जो है वो दिखती है क्षारकर्म एप्लीकेशन के बाद। अगर क्षारकर्म एप्लीकेशन आपने नहीं करना है तो सिंपल जो है वो चूर्ण लेकर, उसका भी हम लोग कई बार अवचूर्णन करते हैं कि पेशेंट को रहता है कि नहीं क्षार भी नहीं लगाना। स्टूडेंट्स जो नए नए हैं तो उनसे आप अवचूर्णन की प्रैक्टिस करा के फिर क्षारकर्म एप्लीकेशन भी हम लोग कराते हैं। तो उसमें अवचूर्णन जो हम करते हैं हरिद्रा चंदन यष्टि मधु, हल्दी सबके पास होती है, यष्टि मधु चूर्ण आप सबके पास होगा, तो यष्टि मधु हरिद्रा, यष्टि मधु हरिद्रा चंदन या यष्टि मधु हरिद्रा त्रिफला, इसको मिला के इरोजन के ऊपर लगा दीजिए आप। ठीक है, 15 दिन बाद फिर उसको लगाइए और साथ में बीच में प्रक्षालन करते रहिए, उसका पीछू करते रहिए, तो पेशेंट का इरोजन जो है एकदम क्लीन हो जाता है। अब बात आती है कि इरोजन तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ चेंजेस इन दैट फीमेल। क्षेत्र दुष्टि है, आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि एडिनोमासिस हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, वो क्या है? उसमें भी मूवमेंट ऑफ द सेल्स, एडिनोमासिस में क्या है कि एंडोमेट्रियम चला गया वामेट्रियम में, एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम निकल गया बाहर और यूट्रस से बाहर की तरफ जाकर वो इम्प्लांट हो गया। अब इसमें सेल्स आ गए बाहर सर्वाइकल ओपनिंग की तरफ, यानी मूवमेंट हो रही है, बाहर मूवमेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि क्षेत्र दुष्टि है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए वी हैव टू डू शोधन, पेशेंट का मृदु शोधन आप करवाते रहिए। मैं जो पेशेंट को एडवाइस करती हूँ ऋतु संधि में शोधन, जो मैं हमेशा ये बात सब सेमिनार वेबिनार्स में बताती हूँ कि यू डू ऋतु संधि शोधन इन योर पेशेंट्स एंड इट विल गिव बेनिफिट टू योर पेशेंट्स। देन उदुम्बर, उदुम्बर का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके पेशेंट्स में जिनको इरोजन है, कुछ भी नहीं है आपके पास, उदुम्बर है या उदुम्बर स्नेह है, तो उससे भी आपके पेशेंट को बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो ये मेरी तरफ से जो है मैंने बता दिया है कि क्या इरोजन में आपको जानना चाहिए। एंड नाउ आई विल टेक दी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो अगर आपके डाउट है टेक दी डाउट्स एंड वी विल डिस्कस। क्वेश्चंस आपके लिए मैम। डॉक्टर स्वाति त्यागी पूछ रही हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वाइकल इरोजन, एज यू टोल्ड सिंपल फॉलिक्यूलर एंड पैपिलरी टाइप्स आर देयर, सो अकॉर्डिंगली प्लीज विल यू बी प्लीज एक्सप्लेन इट वाइडली मैम। एंड शी इज आस्किंग कि लाइक इज द ग्रेड ऑफ पेन इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली और व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ। या वेरी वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल और पेपिलरी और फ्लैट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सिंपल वाला जो रहता है इरोजन अगर पेशेंट में रहता है तो पेशेंट समटाइम्स ये रहता है कि कोई सिम्टम ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट फ्रेश हुआ है इरोजन पेशेंट को, और समटाइम्स सिम्टम नहीं है, और समटाइम पेशेंट इज कंप्लेनिंग पेन ड्यूरिंग कोइटस, ये बताते हैं। और जो लास्ट वाला जो मैं बता रही हूँ कि पेपिलरी टाइप का जो हो रहा है उसको पेशेंट को रिपीटेड चेंजेस आए, तो वहां पर एक इन्फ्लामेशन हो गया है, शोथ हो गया है। ठीक है, इन्फ्लामेशन है तो सर्विक्स में कोई भी चेंज आ रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसका सीधा सीधा संबंध होता है लिगामेंट जो है वो उसको बैक में जो जोड़ता है सर्विक्स को उसके साथ। तो पेशेंट डायरेक्टली आपके पास ये कंप्लेंट लेती है पहले कि मुझे बैक पेन हो रहा है, नॉट द डिस्चार्ज, पेशेंट बोलेगी बैक पेन हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली पेशेंट इज गिविंग द कंप्लेंट ऑफ बैक पेन, जितना क्रॉनिक होता जाता है उतनी पेन की इंटेंसिटी पेशेंट की बढ़ती जाती है। एंड जो सेकेंड वन जो मैंने बताया उसमें फॉलिकुलर टाइप में क्या रहता है कि ब्लीडिंग जो है पेशेंट को होती है, तो इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैं वात पित्त और कफ के साथ इसको लेती हूँ कि पहले वात प्रकुपित हुआ है, उसने सेल्स को थोड़ा सा बाहर लिया है तो अभी कोई सिम्टम नहीं आया, उसमें पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती है तो बाद में पेशेंट को स्पॉटिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ कोइटस, इस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो पेशेंट आपके बताते हैं।
कफ की इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे बढ़ती है तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बढ़ जाती है, तो पेन की इंटेंसिटी पेशेंट में बढ़ जाती है। तीनों दोष इन्वॉल्व है और तीनों दोष साथ में एग्रेवेशन जो है उनकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और सिम्टम्स जो है पेशेंट के इंक्रीज हो जाते हैं। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डॉक्टर विमला खत्री जी से आया है कि मैम मार्केट में अवेलेबल छार इफेक्टिव है और वी हैव टू प्रिपेयर देम एट आवर होम। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, अवेलेबल छार इफेक्टिव है, हम लोग यूज करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज उनको बनाती हैं, आप उसको यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद बनाना है तो वो भी उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम लोग क्षार प्रिपरेशन करते हैं, खुद भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस, इट इज अप टू यू कि आपके लिए क्या फिजिबल है, बट मार्केट से बने हुए हम लोग यूज करते हैं, इफेक्टिव है। मैम डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी पूछ रही हैं कि हाउ वी हेल्प द पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एज इट प्रेजेंट एज सीवियर डिसमेनोरिया, मृदु शोधन और एनीथिंग एल्स। थोड़ा सा हमारे टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं लेकिन हम लोग दे सकते हैं एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट में, शोधन भी कर सकते हैं, मात्रा बस्ती भी कर सकते हैं, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम डॉक्टर सुनीता राणा जी पूछ रहे हैं हाउ टू चूज अ पेशेंट ऑफ सर्वाइकल इरोजन फिट फॉर क्षारकर्म एंड अग्निकर्म। या क्षारकर्म एंड अग्निकर्म आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस पेशेंट में क्षार हमारे लिए फिजिबल है या अग्निकर्म फिजिबल है, बट मैं जैसे डिसाइड करती हूँ कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है वहां पर थोड़ा सा हम क्षारकर्म अप्लाई करते हैं पेशेंट में तो बहुत जल्दी इफेक्ट मिलता है। और जो उसमें आपको दिखता है कि कोई पेशेंट में ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो भी क्षारकर्म आप उसमें लगा दीजिए। ब्लीडिंग पॉइंट है, पेशेंट को ब्लीड ज्यादा हो रही है, तो वहां अग्निकर्म तुरंत इफेक्ट देगा, अग्नि वहां की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और तुरंत आपके पेशेंट में बेनिफिट मिलता है। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन में अपना ऐड करना चाहूंगी बीच में कि मैम क्या छार का हमको कोई पीएच का भी ध्यान रखना चाहिए कि छार का पीएच कितना होना चाहिए? छार मेडिकेटेड अवेलेबल रहता है उसमें कोई पीएच का जरूरत, क्योंकि हमें वो घोल के नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो वहाँ पीएच आप कैसे देखोगे? चूर्ण का, चूर्ण की पीएच देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट आप उसको शलाका के ऊपर लेके भी लगा सकते हो, कोई भी शलाका आपके पास अवेलेबल है उस पर लीजिए और लगा दीजिए, तो भी इफेक्टिव रहता है, उसमें कोई पीएच देखने की जरूरत नहीं है। लेंगे हम लोग छार मैम लेंगे तो मृदु छार लेना चाहिए, मृदु मृदु छार, क्योंकि सर्विक्स इज अ वेरी सॉफ्ट एरिया, मृदु छार ही। थैंक यू सो मच मैम। और आप कुछ नहीं है तो आप हम लोग जो है वो वुडन स्टिक जो है उसको भी ऑटोक्लेव करके रख सकते हैं, उस वुडन स्टिक से भी आप उस पेशेंट में क्षार एप्लीकेशन कर सकते हो, आपके पास कुछ नहीं है तो। वाओ मैम थैंक यू सो मच, आई थिंक बहुत इजी आपने बता दिया, तो मे बी शायद हर कोई इसको एक बार अपने पेशेंट पर जरूर करके देख सकता है और जब रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली प्रैक्टिशनर को बहुत कॉन्फिडेंस आता है इस चीज के ऊपर। पमाक्षारी इज वेरी सेफ, उसको आप वुडन स्टिक पे लेकर लगा दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलता है, उसके बाद आप उसको वॉश करना जरूरी है लेकिन। ओके थैंक यू मैम। मैम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी डॉक्टर मयंका का है कि हाउ मेनी डेज यूज यव क्षार इन सर्वाइकल इरोजन, फॉर हाउ मेनी डेज वी शुड यूज यव क्षार इन सर्वाइकल इरोजन। डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ द पेशेंट, आप रिपीटेडली उसको आज लगाइए फिर 15 डेज के बाद फिर से लगाएंगे, तो आप सेटिंग्स देख लीजिए कि सेकेंड सेटिंग में उसका कितना चेंज आया है, पेशेंट ठीक हो गया है तो फिर से आपको क्षार लगाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। इट इज अप टू यू कि आपने कैसे एप्लीकेशन किया है और पेशेंट में कितना रिस्पांस मिला है, अकॉर्डिंग टू दैट। हेल्दी एरिया में क्षार लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया तो फिर क्यों लगाना, कई बार एक सेटिंग में भी ठीक हो जाता है, कई बार आपको दो कई बार तीन सेटिंग भी देनी पड़ती है। मैम डॉक्टर अनीता शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर अनीता शर्मा कौशिक हैं, आई थिंक उसका आधा आंसर आपने दे दिया है। शी हैज आस्क्ड कैन वी यूज अपामार और टंकड़ छार। हाँ वी कैन यूज नो इशू, अपामार तो मैंने बता ही दिया, टंकड़ भी बहुत लोग यूज करते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है टंकड़ भी। ओके मैम डॉक्टर इंदु चोपड़ा पूछ रही है कि मैम सर्वाइकल एंड यूट्रस प्रोलैप्स इज वेरी कॉमन दीज डेज एंड इफ देयर इज इरोजन आल्सो व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। या जो आप प्रोलैप्स के साथ का इरोजन बोलते हैं दैट इज डेक्यूबिटस अल्सर, उसको हम डेक्यूबिटस अल्सर बोलते हैं, जो प्रोलैप्स हो जाता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में,
उनमें मिलता है, जहां पर सेकेंड थर्ड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स होता है, वहां ड्यू टू इसको हम जो इरोजन हुआ है, अल्सर हुआ है, दैट इज आगंतुज, रिपीटेडली वहां पर उसको घर्षण होता है, एक्सटर्नल सरफेस जो है बाहर टच हो रही है, उस वजह से वहां पर डेक्यूबिटस अल्सर हुआ है। वहां भी हम लोग इसी प्रकार से लोकल थेरापी से उसको ठीक करते हैं और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सेम मेडिकेशंस आप उसमें भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर जनरली मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में हुआ है, सर्विक्स एरिया इज वेरी मच ड्राई, ड्राई एरिया के साथ में डेक्यूबिटस अल्सर है तो दुष्ट व्रण है, तो वहां पर क्षार और अवचूर्णन ज्यादा काम नहीं करता है। वहां आपको घृत एंड तेल, थोड़ा ऑयली बेस लेकर, क्योंकि रेस्ट ऑफ दी सर्विक्स को भी आपने थोड़ा सा उसमें स्नेहन करना है, उसको बल देना है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये चेंज करती हूँ कि हम लोग जाते ही घृत लगाया, थोड़े दिन बाद मैं फिर उसमें बला तेल भी थोड़ा सा लोकली लगवा लेती हूँ, जिससे रेस्ट ऑफ दी सर्विक्स भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाए अदर देन अल्सर। तो ये भी थोड़ा सा आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट चेंज कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन आया है हमारे पास डॉक्टर जगजीत दहल जी का, कि क्या हम इसमें मैम ओरल मेडिकेशंस क्या दे सकते हैं सर्वाइकल इरोजन के केस में? हाँ, ओरल मेडिकेशन जो है हम लोग इसके साथ में त्रिफला गूगल, केशोर गूगल जो है पेशेंट को ऐड कर सकते हैं, जहां पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो ऐसा कर सकते हो आप। मैम डॉक्टर सरिता जी पूछ रही है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अग्निकर्म करते समय, एज इट्स अ सेंसिटिव एरिया, तो अग्निकर्म में हम कैसे करेंगे? अग्निकर्म में आपको ये करना है, जैसे मैंने बताया एंटी क्लॉक वाइज आपको अंदर से बाहर की तरफ को स्ट्रोक्स लगाने हैं, ठीक है? आप 12 o'clock से स्टार्ट कर दिए, 1, 2, 3, इस प्रकार से अंदर से बाहर की तरफ को स्ट्रोक देना है, और हेल्दी एरिया में ही लगाना है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती वहां पर। और अग्निकर्म होने के बाद जो हम बाद में देखते हैं कि जैसे कपोत वर्ण जो बताया, ग्रे कलर एरिया बन जाता है, कपोत जैसे कबूतर होता है उस टाइप का एरिया वो बन जाता है, मतलब कि वो हेल्दी टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द एग्जामिनेशन कि आपका अग्निकर्म ठीक हुआ है, ठीक है? अग्निकर्म के बाद ये एग्जामिनेशन है कि कपोत वर्ण अगर मिलता है तो आपका ठीक हुआ है, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम कई बारी हो सकती है अगर आपने ज्यादा उसको प्रेस करके किया है, तो जस्ट यू हैव टू गिव दिस स्ट्रोक्स, बहुत देर तक वहां पर चलाकर रखनी नहीं है, बस स्ट्रोक देकर छोड़ देना है, टच करना है, छोड़ देना है। मैम डॉक्टर अनुपमा शर्मा जी पूछ रही हैं कि क्या मैम हम टंकड़ यूज कर सकते हैं या मधु का पिचू यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मधु भी शोधन रोपण करता है, मधु भी यूज कर सकते हैं। समटाइम्स हम लोग अग्निकर्म करने के बाद यष्टि मधु और उसके साथ मिला के, मधु के साथ मिलाकर, घृत के साथ मिला के भी हम लोकल एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपके पास उदम्बर स्नेह नहीं है और अग्निकर्म किया आपने या क्षार कर्म किया उसके बाद आपने लोकल एप्लीकेशन करना है, तो मधु घृत में यष्टि मधु मिला के भी आप लगा सकते हो। मैम डॉक्टर मंजू भाटिया जी पूछ रही है कि अपामार क्षार लेखन कर्म करेगा एंड हाउ टू अप्लाई? जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया मैंने, आप जस्ट जनरल स्टिक के ऊपर लेकर भी उसको लगा सकते हैं, बाकी वेरी सेफ, अपामा क्षार इज वेरी सेफ, आप उसको लगा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक पूनम गुप्ता जी की क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, ओरल मेडिकेशन के बारे में मैम ने बता ही दिया है। मैम डॉक्टर मंजू भाटिया जी पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम टू वॉश क्षार? आपने क्षार लगा दिया है, उसको हम लोग जनरली 5-10 मिनट बाद वॉश कर देते हैं पेशेंट को, कई बार 15 मिनट भी रहने देते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो मैम सेम क्वेश्चन ही पूछा है कि ओरल मेडिकेशन क्या दे सकते हैं That you have already taken. ओरल में थोड़ा सा हम लोग जैसे दोष प्रीडोमिनेंस की मैं थोड़ा हमेशा ही बताती हूँ, दोष प्रीडोमिनेंस के हिसाब से भी पेशेंट में मेडिकेशन चेंज कर सकते हैं। समटाइम्स क्या रहता है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है और आपको इरोजन है, पित्त भी उसमें लग रहा है कि एकदम शाइनी इरोजन है और कॉन्स्टिपेशन है, तो वहां फिर मैं अविपत्ति कर भी एड करा देती हूँ पेशेंट को, वो भी हीलिंग में हेल्प करता है पेशेंट के। तो थोड़ा सा वेरिएशन वेरिएशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से भी कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स में एक ही साथ में बर्निंग निचुएशन है तो फिर मैं चंद्रप्रभा वटी भी उसमें पेशेंट में, या उशीर भी कई बार ऐड करा देती हूँ, तो ऐसा भी थोड़ा आप कर सकते हो चेंज।
ज्योति यादव जी ने क्वेश्चन करा है, ऑल्दो थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है. मैम, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्या दे सकते हैं पेशेंट को? ब्लीडिंग किस टाइप की ब्लीडिंग? अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि इरोजन की ब्लीडिंग पूछ रहे हैं कि वैसे ब्लीडिंग पूछ रहे हैं. आई थिंक अभी हम लोग अगर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो वी शुड टॉक अबाउट द सर्वाइकल इरोजन ब्लीडिंग ओनली, दैट इज कॉज्ड ड्यू टू दिस. इरोजन इरोजन की वजह से ब्लीडिंग जनरली ये होता है कि बहुत ज्यादा नहीं रहती है, स्पॉटिंग हो सकती है पेशेंट को, या तो आपने कई बार स्पेक्युलम लगाया है और ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, ऐसा रहता है. तो जस्ट आप थोड़ी देर वहां पर गॉज लगा के प्रेस करते हैं तो ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाती है. कुछ नहीं है तो थोड़ा सा कई बार आप कासिस भी लगा सकते हैं वहां पर, कासिस जो है वो भी लगा सकते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है. मैम, आपने अभी वो ऋतु संधि में शोधन, मैम थोड़ा सा उस चीज को भी एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे. हाँ, जैसे ही जो हमारे मतलब ऋतु, सिर्फ मैं ग्रीष्म वर्षा शरद की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें हम 6 ऋतु लेते हैं, है ना. शिशिर रोथ वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद धीमान, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये 6 की 6 ऋतु हैं. तो जैसे ही ऋतु चेंज होती है तो 3 महीने बाद ऐसा, मतलब पहले ये रहता था कि लोग एक ही जगह में रहते थे, अपना जो एरिया है वहां रहना है, तो उस एरिया के एटमोस्फियर पे वो एकोमोडेट रहते थे, ठीक है, और वहां का लाइफस्टाइल फॉलो करते थे. अब क्या है कि बर्थ आपका चेन्नई में हुआ है, आप रह रहे हो दिल्ली में, है ना, तो कभी आप दिल्ली जा रहे हो, कभी चेन्नई जा रहे हो, कभी कहीं कभी कहीं, तो आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, ठीक है. तो कितनी टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में है. और दूसरा है कि हर जगह हर कुछ अवेलेबल है. पहले रहता था कि साउथ के लोग ही इडली सांभर खाते थे, लेकिन अब नॉर्थ में भी लोग ब्रेकफास्ट में इडली सांभर लेते हैं, जो कि उनकी डाइट नहीं है, ठीक है. तो ये सारी इतनी वेरिएशन डाइट में हो गई है कि पूरे हमारे बॉडी को ऋतु में शोधन की जरूरत है. जितनी टॉक्सिसिटी 3 मंथ्स में जमा हुई है, जैसे ऋतु चेंज हो रही है तो आप तुरंत ही स्विच हो जाते हो कि डाइट आपने चेंज कर दी, ठीक है. विंटर में आप लोग आइसक्रीम नहीं लेते हो, लेकिन जैसे ही समर है आइसक्रीम लेना स्टार्ट कर देते हो, बट आपका बॉडी इसके लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं हुआ है. तो पहले आपके उस डाइट से जो टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में जमा थी उसको आपको निकालना है, वो निकाल के फिर आप दूसरी ऋतु के डाइट को जो है वो फॉलो करेंगे, तो नहीं तो अदरवाइज क्या एकदम से जिंगल जिंगल हो जाता है बॉडी में, और वो कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी जो क्रिएट करता है. कोई भी डिजीज, ये प्रिकॉशनरी, मतलब वी कैन एडवाइस टू द पेशेंट, जैसे सर्वाइकल, मैम सर्वाइकल इरोजन के स्पेशली पेशेंट में तो इस तरह की चीज, मतलब हमें, मैं सभी पेशेंट में चाहे इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, चाहे इरोजन का पेशेंट है, चाहे हैवी ब्लीडिंग का पेशेंट है, हर पेशेंट में आई डू द काउंसलिंग के यू डू ऋतु संधि शोधन. अगर पेशेंट नहीं, आपको समझाना नहीं है तो सीधे सीधे आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में डाल दो. मैं तो सीधे यही करती हूँ, पेशेंट आया है ऋतु संधि है, तुरंत उसको हफ्ता भर फलत्रिका आदि पिलाओ, उसके बाद बाकी मेडिसिन. उनको सीधा ये बोलते हैं कि 1 हफ्ता ये मेडिसिन लो, अगले आपकी मेडिसिन चेंज होगी. जैसे कुछ नहीं समझाना है, सर्वाइकल इरोजन कफ और पित्त की, पित्त ही ज्यादा है यहाँ पर, तो मैम फिर हम मृदु विरेचन वगैरह, अगर पेशेंट नहीं तैयार है उसके लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन गिव मृदु विरेचन, जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ अभिपत्ति कर ही दे दो जी, वो भी थोड़ा सा मृदु विरेचन करता है तो. लेकिन जब ये दवाई देती हूँ तो एक ही मेडिसिन देना है आपको थोड़े दिन के लिए, साथ में मिक्स नहीं करना है कि आपको ये भी देना है वो भी देना है, नहीं करना है. मतलब पेशेंट आपके पास ऋतु संधि में आई है, आप ट्रीटमेंट देना है, 1 हफ्ता उसको बोले कि 1 हफ्ता यही मेडिसिन लेना है, साथ में कुछ और नहीं लेना. आप अपनी तरफ से शोधन कर रहे हो, पेशेंट को नहीं मालूम, 1 वीक दे दीजिए, उसके बाद दूसरी मेडिसिन दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा इफेक्ट. फिर जैसे इफेक्ट आएगा फिर पेशेंट को समझा दीजिए कि आप 3 महीने बाद फिर से ये दवाई आपको लेना ही लेना है, चाहे आप कहीं भी रहो. मैं तो ऐसे करती हूँ, तो पेशेंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए. अब तो काफी सारी कंपनीज ऋतु संधि के भी चार्ट्स, कैलेंडर्स भी आपके पास देके जाते होंगे, ऋतुचर्या के कैलेंडर्स देके जाते हैं, तो वहां भी आपको पता चल जाता है कि अब इस महीने में ये ऋतु चेंज हो रही है, तो वहां उस पेशेंट को आप उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है और ऐसे करना है. पर अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा सा शोधन कर दीजिए, क्योंकि वमन पेशेंट को कराना इजी नहीं रहता है, तो सिंपली ये कि विरेचन आप पेशेंट को दे सकते हो. तो विरेचन इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ शोधन, चाहे मृदु शोधन दीजिए, चाहे नित्य दीजिए, कैसे भी दीजिए, कुछ भी. थैंक यू.
मैम मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है वो क्वेश्चन देख के, क्योंकि जनरली हम लोग अगर किसी गायनोकोलॉजिकल टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो जनरली फीमेल्स ही ज्वाइन करती हैं, फीमेल्स ही क्वेश्चन पुट अप करती हैं, बट एक हमारे एंथुसियास्टिक डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले भी हमें काफी अच्छे से ज्वाइन करा हुआ है, उन्होंने एक क्वेश्चन करा है, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी ने, ये प्लीज टेल अबाउट पैप स्मियर अगेन, थ्री एरियाज ऑफ सैंपल टेकिंग, विच टेस्ट इज बेस्ट, सिंपल स्मियर ऑफ ट्यूब टेस्ट. प्लीज टेल अबाउट पैप स्मियर अगेन, three areas of sample taking and which test is best, simple smear or tube test? Tube test नहीं करते हैं इसमें, only pap smear करते हैं, ठीक है. Tube test नहीं होता है इसमें erosion में. उसमें एक तो रहता है कि जो हम simple swab लेते हैं उसमें swab से हम लोग smear लेते हैं, और pap smear में क्या रहता है कि iron spatula रहती है, spatula का shape होता है, special शेप होता है, वो स्पैचुला जैसे जो आइसक्रीम स्टिक रहती है उस मटेरियल की बनी रहती है, और उसका शेप रहता है एक हथौड़ी जैसा, थोड़ा सा आगे से मुड़ी रहती है, वो अंदर की तरफ जाती है केनाल में और बाकी का एरिया बाहर की तरफ, थोड़ा सा आप उसको राउंड घुमाते हैं तो अंदर से लेके बाहर के पूरे सेल को वो स्क्रैप करती है, उसको फिर हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. तो दैट इज पैप स्मियर. पैप का मतलब कि वो पूरा का पूरा सर्वाइकल का एरिया का सेल जो है उसमें लिया जाता है, और थ्री स्वैप का भी यही पर्पज है कि उसमें आप मैन्युअली अलग अलग एरिया से स्वैप लेते हैं, और पेप्सी में आपकी स्पेचुला तीनों एरिया के इकट्ठे जो है सेल्स वो स्क्रैप करती है, ये उसमें दोनों में डिफरेंस रहता है. मैम एक डॉक्टर नरोत्मा गर्ग जी का लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं और लेना चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन का मैम कोई एंड नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है, सो वी हैव टू टेक पॉज नाउ. सो इट इज अप टू आई ऑलवेज लाइक टू टेक क्वेश्चन, इट इज अप टू यू कितने लेने हैं. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कंसर्न.